सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए भक्ति व प्रेम की कथा लेकर आई हूँ। ये कथा है भगवान विष्णु व शिव की। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। एक बार भगवान नारायण अपने वैकुंठ लोक में सोए हुए थे। स्वप्न में वो क्या देखते हैं कि करोड़ों चंद्रमाओं की कांति वाले त्रिशूल डमरूधारी स्वर्ण भरण भूषित संजय वंदित अणिमादि सिद्धि सेवित त्रिलोचन भगवान शिव प्रेम और आनंद से उन्मत्त होकर उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। उन्हें देखकर भगवान विष्णु हर्ष से गदगद हो गए और शेषनाग की शैया से जाग गए। कुछ देर तक ध्यानस्थ बैठे रहे। उन्हें इस प्रकार बैठे देखकर श्री लक्ष्मी जी उनसे पूछने लगी कि भगवान, आपके इस प्रकार उठ बैठने का क्या कारण है? भगवान ने कुछ देर तक उनके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और आनंद में निर्मग्न हुए चुपचाप बैठे रहे। अंत में कुछ स्वस्थ होने पर वे गदगद कंठ से इस प्रकार बोले, हे देवी, मैंने अभी स्वप्न में भगवान श्री महेश्वर के दर्शन किए। उनकी छवि ऐसी थी अपूर्व आनंदमय एवं मनोहर कि देखते ही बनती थी। मालूम होता है भगवान शंकर ने मुझे स्मरण किया है। अहो भाग्य, चलो कैलाश में चलकर हम लोग महादेव के दर्शन करते हैं। यह कहकर दोनों कैलाश की ओर चल दिए। मुश्किल से आधी दूरी गए थे कि क्या देखते हैं, भगवान शंकर स्वयं गिरिजा के साथ उनकी ओर आ रहे हैं। अब भगवान के आनंद का क्या ठिकाना, मानो घर बैठे निधि मिल गई। पास आते ही दोनों परस्पर बड़े प्रेम से मिले, मानो प्रेम और आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा था। एक दूसरे को देखकर दोनों के नेत्रों से अश्रु बहने लगे, शरीर पुलकायमान हो गया। दोनों की एक दूसरे से लिपटे हुए कुछ देर तक खड़े रहे। प्रश्नोत्तर होने पर मालूम हुआ कि शंकर जी ने भी रात्रि में इसी प्रकार का स्वप्न देखा, मानो विष्णु भगवान को वे उसी रूप में देख रहे हैं जिस रूप में वे अब उनके सामने खड़े थे। दोनों के स्वप्न का वृत्तांत अवगत होने पर दोनों ही लगे एक दूसरे से अपने यहाँ लिवा जाने का आग्रह करने लगे। नारायण कहते, वैकुंठ चलो, और शंभु कहते कि कैलाश की ओर प्रस्थान कीजिए। दोनों के आग्रह में इतना अलौकिक प्रेम था कि यह निर्णय करना कठिन हो गया कि कहाँ चला जाए। इतने में ही क्या देखते हैं, वीणा बजाते हरि गुण गाते नारद जी कहीं से आ निकले। बस फिर क्या था, लगे दोनों उनसे निर्णय कराने के लिए कि कहाँ चला जाए। बेचारे नारद जी स्वयं परेशान थे। उस अलौकिक मिलन को देखकर वे तो स्वयं अपनी सुध-बुध भूल गए और लगे मस्त होकर दोनों का गुणगान करने। अब निर्णय करे तो कौन करे। अंत में ये तय हुआ कि भगवती उमा जो कह देंगी वही होगा। भगवती उमा पहले तो कुछ देर चुप रही, अंत में दोनों को लक्ष्य करके बोली, हे नाथ और हे नारायण, आप लोगों के निश्चल अनन्य एवं अलौकिक प्रेम को देखकर यही समझ में आता है कि आपके निवास स्थान अलग अलग नहीं है। जो कैलाश है वही वैकुंठ है और जो वैकुंठ है वही कैलाश है। केवल नाम में ही भेद है। यही नहीं, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी आत्मा भी एक ही है, केवल शरीर देखने में दो हैं। और तो और मुझे तो अब यह भी स्पष्ट दिखने लगा है कि आपकी भार्याएं भी एक ही हैं, दो नहीं। जो मैं हूँ वही श्री लक्ष्मी है और जो श्री लक्ष्मी है वही मैं हूँ। केवल इतना ही नहीं, मेरे तो अब यह दृढ़ धारणा हो गई है कि आप लोगों में से एक के प्रति जो द्वेष करता है वह मानो दूसरे के प्रति ही करता है। एक की जो पूजा करता है वह स्वाभाविक ही दूसरे की भी करता है, और जो एक को अपूज्य मानता है वह दूसरे की भी पूजा नहीं करता। मैं तो ये समझती हूँ कि आप दोनों में जो भेद मानता है उसका चिरकाल तक घोर पतन होता है। मैं देखती हूँ कि आप मुझे इस प्रसंग में अपना मध्यस्थ बनाकर मानो मेरा प्रवचन कर रहे हैं, मुझे चक्कर में डाल रहे हैं, मुझे भुला रहे हैं। अब मेरी यह प्रार्थना है कि आप लोग दोनों ही अपने अपने लोक को पधारिए। श्री विष्णु ये समझे कि हम शिव रूप में से वैकुंठ जा रहे हैं और महेश्वर ये माने कि हम विष्णु रूप से कैलाश गमन कर रहे हैं। इस उत्तर को सुनकर
दोनों परम प्रसन्न हुए और भगवती उमा की प्रशंसा करते हुए दोनों अपने अपने लोक को चले गए। लौटकर जब विष्णु वैकुंठ पहुंचे तो श्री लक्ष्मी जी ने उनसे पूछने लगी, प्रभु सबसे अधिक प्रिय आपको कौन है? इस पर भगवान बोले, प्रिय मेरी प्रियतम केवल श्री शंकर हैं। देहधारियों को अपनी देह की भांति वे मुझे अकारण ही प्रिय हैं। एक बार मैं और शंकर दोनों ही पृथ्वी पर घूमने निकले। मैं अपने प्रियतम की खोज में इस आशय से निकला कि मेरी ही तरह जो अपने प्रियतम की खोज में देश देशांतर में भटक रहा होगा, वही मुझे अकारण प्रिय होगा। थोड़ी देर के बाद ही मेरी श्री शंकर जी से भेंट हो गई। जो ही हम लोगों की चार आंखें हुई, हम लोग पूर्व जन्म अर्जित विद्या की भांति एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो गए। वास्तव में मैं ही जनार्दन हूँ और मैं ही महादेव हूँ। अलग अलग दो घड़ों में रखे हुए जल की भांति मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। शंकर जी की अतिरिक्त शिव की अर्चा करने वाला शिव भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय है। इसके विपरीत जो शिव की पूजा नहीं करेंगे मुझे कदापि प्रिय नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारी ये कथा कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कथा रोचक लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल सनातन ज्ञान मंथन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। अब हमें दें इजाज़त। थैंक यू फ्रेंड्स।